बागपत के बड़ो तहसील स्थित कृषि उत्पादन एवं फल मंडी में फल व्यापारियों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। सुरक्षा के कोई बंदोबस्त न होने के कारण फल व्यापारियों के यहां आए दिन चोरी की घटनाएं होने से असुरक्षा की भावना के साथ आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से एक फल व्यापारी की दुकान से लाखों की चोरी होने के बाद फल व्यापारियों में आक्रोश व्यक्त हो गया है। चोरी की घटना से गुस्साए फल व्यापारियों ने पहले कोतवाली और बाद में तहसील पहुंचकर हंगामा काटा। व्यापारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना था कि आए दिन मंडी में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। किसी तरह के सुरक्षा के बंदोबस्त मंडी में नहीं किए गए हैं, जिसके अलावा पानी, शौचालय, बैंक, एटीएम तक की व्यवस्था मंडी में नहीं है। एक माह में 5 फल व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में लाखों की चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक एक भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई, जिस कारण फल व्यापारी अब ये खुद को भी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा के बंदोबस्त करते हुए चोरी की घटनाओं के खुलासे नहीं हुए तो आंदोलन करेंगे। क्या नाम है जी आपका? इमरान। क्या करते हैं जी आप? फल मंडी के व्यापारी। तो क्या हुआ है, क्यों आए हैं तहसील में? तहसील में आए हैं, हमारी दुकान में चोरी हो गई। कितने की चोरी हुई है? उसमें 75 डिब्बे हैं और इन्वर्टर बैटरी है, अनार के डिब्बे 75, 53 लाख रुपए की करीब चोरी है। थाने में करी शिकायत आप? कर दी शिकायत।